हमारे लोग उसके और दूसरी तरफ जो हिस्सा है तकरीबन 2 किलोमीटर का, उसके बीच में, और इस 2 किलोमीटर के हिस्से में लाइट भी है, पानी भी है, हम खाना भी भेज रहे हैं और उनसे बात भी कर रहे हैं। हमारी प्राथमिकता है कि हमारे लोग सुरक्षित रहें, हमारी प्राथमिकता है कि हम उनको जल्दी से जल्दी निकालें, और उसके लिए सब तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अंदर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर, हमारे सड़क परिवहन मंत्री जी से लेकर, हमारे मुख्यमंत्री जी से लेकर जितनी भी एजेंसीज हैं, सबके सब इस कार्य के अंदर लगे हुए हैं और सबका हमको बहुत अच्छा सहयोग और समर्थन मिला, आपका भी उसमें शामिल। ये रेस्क्यू का काम शुरू हुआ था और उसके लिए जो हमने मशीन एक जिसकी जरूरत थी, क्योंकि हमने देखा शुरू के अंदर जो रेस्क्यू शुरू हुई उसके अंदर हिस्सा कुछ गिरने लगा, इसलिए हमको लगा कि हमको उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, नहीं तो और खतरा बढ़ सकता है। इसलिए एक मशीन लगाई गई जिसके अंदर कुछ रुकावट आई और एक नई मशीन अब काम कर रही है जिसकी पावर भी ज्यादा है और जिसकी स्पीड भी ज्यादा है पुरानी मशीन के मुकाबले, और हमारी कोशिश है कि ये कार्य 2-3 दिन में पूरा हो जाए, जल्दी भी हो सकता है, लेकिन आउटर लिमिट हम रख रहे हैं क्योंकि अगर कोई तरह की रुकावट आ जाए तो उसको भी दूर किया जा सके, और हम सब तरह के विकल्प इसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। जो भी हमको सुझाया जाता है टेक्निकल, उसकी फीजिबिलिटी देखकर, उसको स्टडी करके, ताकि सुरंग के अंदर जो लोग हैं वो सुरक्षित रहें, हमें उनकी सुरक्षा की ज्यादा चिंता है, उस विकल्प को ट्राई करके, इवेल्युएट करके, और इसके अंदर हम अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट जो हैं उनकी भी मदद ले रहे हैं। जिस देश के अंदर हमको कोई एक्सपर्ट मिलता है उनकी भी मदद ले रहे हैं। अपने यहां पर अलग अलग एजेंसीज हैं, रेलवे है, माइनिंग वाले हैं, दूसरे, उन सब की भी मदद ले रहे हैं ताकि सब तरह का कोई ऐसी चीज ना रह जाए जिससे कि बाद में हम कहें कि इसकी मदद लेनी चाहिए। और हम अभी बात भी कर आए उनसे, लोगों का जो मोराल है वो हाई है, उनको भी पता है कि सरकार पूरी तरह से लगी हुई है उनको निकालने के लिए, और हम बहुत आशातीत हैं, हम बहुत सकारात्मक रूप से सोच रहे हैं कि वो जल्दी हम उनको निकालें।